वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप सब लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक रहो। तो गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपके एक न्यू व्लॉग में। तो आज मेरी मम्मी बना रही है राइस, मेरे फेवरेट है और मेरे भाई की भी फेवरेट है, पूरे घर में सबके एक्चुअली फेवरेट है। देखते हैं मम्मी आज कैसे बना रही हैं, उसकी ट्रिक और रेसिपी आपको मैं दूंगा। तो चलते हैं, आ चुके हैं किचन में। हमने लिया है पनीर, प्याज, हरी मिर्च, कुछ वेजिटेबल हैं इसमें हमारी, गाजर, मटर, पत्ता गोभी, आलू। इनकी और वो बता दो क्वांटिटी कितनी कितनी है? ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ये 4 मिर्च हैं और ये थोड़ी थोड़ी सारी सब्जी ले ली, गाजर ले ली, थोड़ी सी गोभी ले ली, 2 आलू ले लिए, थोड़ी सी मटर ले ली और 100 ग्राम के करीब पनीर है। हम पहले पूरे पनीर को एक साथ हमने कढ़ाई में घी चढ़ा दिया या रिफाइंड ऑयल जो भी आपको पसंद हो चढ़ा दिया है और इसमें पूरे पनीर को एक साथ फ्राई करेंगे। हमने पनीर फ्राई कर लिया एक साथ पूरा। अब इसके हम छोटे छोटे पीस आएंगे और हमने 1.5 ग्लास राइस रख दिया है, फिर नमक डालकर हरी मिर्च। वाह, इसके बुलबुले कितने अच्छे लग रहे हैं ना। जीरा, जीरा हाउ मच क्वांटिटी? क्वांटिटी तो बता दो। 2 चुटकी, ये 2 चुटकी, 1.5 चुटकी हिंग, हमने प्याज को भून लिया अच्छी तरह से। अब ये सारी सब्जियां हैं, इन्हें भी इसमें डाल देंगे। अब इन तो सिर्फ कुछ नहीं डालना, थोड़ा सा नमक डालना है। और इसे चला के हमारी सब्जी अब पक गई है, इसमें हम वाइट कलर के चावल डालेंगे। क्या चाह रहे हैं? इसमें थोड़ा फ्लेवर अच्छा आएगा। ये शेजवान चटनी है, थोड़ी सी पिज्जा सॉस भी डालेंगे, थोड़ा सा विनेगर, टमाटो केचप, मैगी मसाला, ये मैगी मसाले के पाउच आते हैं, कर लेंगे सब्जियों के साथ। ये पनीर के टुकड़े ये भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो ये रेडी हो चुका है हमारा स्पेशल फ्राइड राइस। इसमें आपको ये टेस्ट करके बताता हूँ कैसे बनाए। गरम है, गाइस सुपर। मैं आप ये ट्राई करना घर पे और बनाना। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करने बोलना। तो गाइस बाय गाइस, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज कॉल्ड 7244। बाय गाइस।